मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार पर खतरे के बादल मंडराते ही सूबे में ऑपरेशन विधायक बचाव शुरू हो गया है। सेंधमारी के डर से बीजेपी ने अपने 106 विधायकों को भोपाल से हरियाणा शिफ्ट कर दिया है। आधी रात को ही बीजेपी के विधायकों को लेकर चार्टर्ड विमान दिल्ली पहुंचा, जहां से लग्जरी बस में सारे विधायक हरियाणा के मानेसर रवाना हो गए। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और उन्हीं के पहरे में मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक रहेंगे। हम लोग होली मनाने आए भोपाल से आ रहे भैया। जा कहाँ रहे हैं? ये नहीं मालूम। हम लोग घूमने आपसे मिलने, हम ना आते तो आपसे कैसे मुलाकात? अचानक इसलिए आए हैं दिल्ली? हम लोग संसद घूमने आए हैं, बस होली मिलन समारोह में आए। होली के दिन मध्य प्रदेश में रंगों पर सियासत इस कदर भारी हुई कि देर रात तक विधायकों की भागम भाग चलती रही। सिंधिया ने कमलनाथ का खेल बिगाड़ा, उसके बाद बीजेपी अपना खेल बनाने में जुट गई। कहीं सेंधमारी ना हो जाए इस डर से बीजेपी ने रातों रात विधायकों को भोपाल से दिल्ली पहुंचा दिया। दिल्ली पहुंचते ही बीजेपी के 106 विधायकों को लग्जरी बसों में हरियाणा रवाना किया गया, जहां वो मनोहर लाल खट्टर सरकार की मेजबानी में वक्त गुजारेंगे। बताया जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव तक सभी बीजेपी विधायक यहीं रह सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार में गहराए संकट के बीच तमाम बीजेपी के विधायकों को अब दिल्ली यहां पर लाया गया। आप देख सकते हैं कि तमाम मध्य प्रदेश के बीजेपी के ये विधायक हैं। पूरी तरीके से फेस्टिवल मोड में आए हैं, हॉलीडे मोड में आए हैं, और इसलिए दो दिन, तीन दिन, चार दिन जब तक भी यहां पर एंजॉय करना। भोपाल से बुरा न मानो होली है के नारे के साथ बीजेपी के विधायक दिल्ली की उड़ान भरी। विधायकों को दिल्ली लाने के लिए स्पाइस जेट के स्पेशल विमान VTSZK बोइंग 737 को बुक किया गया था। बीजेपी दफ्तर से उन्हें 5 लग्जरी बसों से एयरपोर्ट लाया गया। आप देख सकते हैं सभी की सभी बसें, पांचों बसें सामने आप देख सकते हैं। विधायक विश्वास सारंग पूर्व मंत्री रह चुके हैं और ये भी इस बस में सवार है। पांचों बसों में जो तमाम विधायक है वो अब रवाना हो रहे हैं यहाँ से। बीजेपी विधायकों के साथ खुद शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे। उन्हीं की देखरेख में मिशन विधायक बचाव चल रहा है। 24 घंटे में मध्य प्रदेश की सियासत जिस कदर बदली, उससे वो गदगद दिख रहे हैं। सर, कांग्रेस बोल रही है सीटों की संख्या उनके पास पर्याप्त है। कांग्रेस ये कह रही है उनके पास नंबर्स हैं। जो कहते हैं कहते रहे, हमें कह लेना। मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। सिंधिया एपिसोड से कमलनाथ सरकार की तो होश ही उड़ी हुई है, लेकिन दावे कम नहीं हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ अब भी दम भर रहे हैं कि बहुमत उनके साथ है, चिंता की कोई बात नहीं। दावा तो ये भी है कि बीजेपी के कुछ विधायकों से भी उनकी बातें हुई हैं। कल जैसे ही सिंधिया खेमे के 22 विधायकों के इस्तीफे की खबर आई, कमलनाथ ने बाकी कांग्रेसी विधायकों की बैठक बुला ली। इस बैठक में कांग्रेस के 88 और 4 निर्दलीय विधायक मौजूद थे, यानी कांग्रेस के 4 और विधायक नदारद थे। तो सभी विधायक फिलहाल ये कह रहे हैं कि इस तरह की कोई बात नहीं आई, हम सब एक हैं। हमने मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है कि वो जो भी फैसला लें वो लें, और इसके लिए हम तैयार हैं। हम चाहे सड़कों पे लड़ाई लड़ें, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस ने बागी विधायकों को मनाने की कोशिशें भी नहीं छोड़ी हैं। आज कमलनाथ कैबिनेट के मंत्री रहे सज्जन सिंह और गोविंद सिंह बेंगलुरु रवाना हो रहे हैं। आरोप ये भी है कि सिंधिया ने धोखे से कांग्रेस के विधायकों के दस्तखत लिए। जो विधायक सिंधिया जी के साथ जो गुमराह करके उनको इकट्ठा किया गया था, ये कहा गया था कि सिंधिया जी को राज्यसभा मांगना है, इसलिए उन्हें मांग करने के लिए इकट्ठा होना है, और फिर भारतीय जनता पार्टी में जो जाने की बात हुई है उससे रुष्ट है वो विधायक भी जो गए हैं। सिंधिया के जाने के बाद भी कांग्रेस आसानी से हार मानने को तैयार नहीं है। कमलनाथ के हाथ मजबूत करने के लिए दिल्ली से 2 सेनापति हरीश रावत और मुकुल वासनिक भी भोपाल भेजे गए हैं। कांग्रेस भी अपने बाकी विधायकों को महफूज रखने के लिए आज जयपुर भेज सकती है। बस देखिए आगे आगे होता है क्या, क्योंकि पिक्चर
अभी बाकी है। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ हेमेंद्र शर्मा और रविश पाल सिंह, भोपाल आज तक। मिशन विधायकों को सेंधमारी से बचाने का है, लेकिन इसे होली की छुट्टी का नाम दिया गया है। जी हां, देखिए विमान में भरकर बड़े नेताओं की निगरानी में लाए गए विधायकों का क्या कहना है। ये बताइए कहाँ से आए सर? हम लोग होली मनाने आए। आप कहाँ से हैं सर? कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? भोपाल से आ रहे हैं भैया। जा कहाँ रहे हैं? नहीं मालूम, ये नहीं मालूम। जा कहाँ रहे हैं सर? तीर्थ यात्रा। अच्छा, नहीं नहीं, किस लिए, क्यों पार्टी ने यहाँ पर आपको बुलाया? उसमें तीर्थ यात्रा पार्टी की तरफ से। अच्छा सर, किस लिए आए हैं दिल्ली यहाँ पर, कुछ पता है? नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। आए हैं, कहाँ जाएंगे आप? जहाँ जाए बस। अच्छा, कैसे आए, मतलब पार्टी ने तुरंत बुला लिया सबको? हाँ चल जाए। अच्छा, ये बताइए कि किस लिए आए हैं दिल्ली? किस लिए आए? आपसे मिलने। मिलने आए हैं? अरे ये बताइए आप किस लिए आए हैं सर? किस लिए आए हैं? हम लोग घूमने, आपसे मिलने। हम ना आते तो आपसे कैसे मुलाकात हो? अचानक से रात के वक्त है, पहली बार रात को चल रहे हैं क्या? इसलिए आए हैं दिल्ली आप? हम लोग संसद घूमने आए हैं। अच्छा, संसद घूमने हैं। अब पता नहीं चला कि किस लिए आए हैं दिल्ली में, कहाँ जाएंगे? अभी तो कुछ पता नहीं है, जहाँ ले जाएंगे संगठन महामंत्री वहाँ जाएंगे। किस लिए आए हैं दिल्ली आप? बस होली मिलन समारोह में आए। कितने दिन के लिए, कुछ बताया है पार्टी ने, कुछ बताया किस लिए आ रहे हैं, किस लिए नहीं आ रहे? तो होली मिलन का कार्यक्रम तो पूरे महीने भर चलता है। ये बताइए किस लिए आए हैं सर दिल्ली? होली मनाने। होली मनाने के लिए आए। मध्य प्रदेश की सियासत में भूचाल लाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया आज बीजेपी में शामिल होंगे। 18 साल तक कांग्रेस में रहने के बाद उन्होंने कल ही हाथ का साथ छोड़ा। उम्मीद है कि कमल थामते ही उनकी राज्यसभा की उम्मीदवारी का भी ऐलान हो जाएगा। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार को लंगड़ी मारने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से नई सियासी पारी खेलने जा रहे हैं। सिंधिया 18 साल तक कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे, गांधी परिवार के करीबी रहे, राहुल गांधी प्रियंका गांधी के खास रहे। आज से ज्योतिरादित्य बीजेपी के लिए बैटिंग करेंगे। आज दोपहर 12 बजे उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई जाएगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद उन्हें पार्टी में शामिल कराएंगे। सिंधिया ने होली के दिन कांग्रेस के रंग में भंग किया। अटकलें तो पहले से ही थी, कल सुबह सुबह उन्होंने इस पर मुहर भी लगा दी। खुद गाड़ी चलाकर अमित शाह से मिलने गुजरात भवन पहुंचे और फिर उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। घंटे भर के मुलाकात के बाद सिंधिया को इत्मीनान हो गया कि उनका अगला कदम क्या होगा। सूत्रों के मुताबिक ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्र में मंत्री बनाए जाने का आश्वासन मिला, वो राज्यसभा सांसद बनाए जाएंगे। उनके समर्थक विधायकों से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी तो मंत्री या मलाईदार पद देने का भरोसा भी मिला। कल प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के फौरन बाद सिंधिया ने ट्वीट कर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखी इस्तीफे की चिट्ठी को सार्वजनिक कर दिया। पिछले 18 साल से कांग्रेस का प्राथमिक सदस्य रहने के बाद अब आगे बढ़ने का समय है। मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से अपना त्याग पत्र दे रहा हूँ। जैसा कि आप जानती हैं, ये रास्ता पिछले कुछ सालों में खुद तैयार हुआ है। हालांकि अपने राज्य और देश की जनता की सेवा करना हमेशा से ही मेरा लक्ष्य और मकसद रहा, पर मुझे लगता है कि इस पार्टी के साथ मैं अब ऐसा करने में असमर्थ हूँ। अपनी जनता और मेरे कार्यकर्ताओं की आकांक्षाओं को देखते हुए मुझे लगता है कि मैं नई शुरुआत करूँ। इधर सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी नहीं कि पार्टी नेताओं के बोल बदल गए। कल तक कांग्रेस के महाराज रहे सिंधिया कुछ ही पलों में गद्दार कहे जाने लगे तो बीजेपी ने बाहें फैलाकर स्वागत किया। पार्टी को तो एक्सपेल करना ही पड़ेगा, क्या करेगा पार्टी? पार्टी के खिलाफ तुम जाके हमारे पार्टी के साथ गद्दारी करोगे, हमारे पार्टी को जो खत्म करना चाहते हैं वो बीजेपी पार्टी को तुम और बलशाली करने की कोशिश करेंगे तो पार्टी क्या चुपचाप बैठे रहेंगे? पार्टी को तो यही करना चाहिए था और पार्टी सही कदम उठाया। मुझे लगता है मुझे सरकार बचाने और उस पर तो कुछ बोलना नहीं है, लेकिन
ये सरकार जाएगी। कमल खिल रहा है सर प्रदेश में। ये आज तो अभी तो राज्यसभा के चुनाव हो जाने दीजिए, ये तो बाद में फ्लोर की बातें होंगी। सिंधिया जी आ रहे हैं, आएंगे तो स्वागत। लेकिन सिंधिया समर्थक जश्न में डूब गए। ग्वालियर में तो मानो कांग्रेस का ही सफाया हो गया। कमलनाथ सरकार में मंत्री प्रद्युम्न सिंह के बंगले पर सिंधिया जिंदाबाद के नारे लगने लगे। इस्तीफे देने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झड़ी लगने लगी। इस्तीफा देने वालों में ग्वालियर कांग्रेस के अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, पार्षद, पूर्व पार्षद, युवा कांग्रेस और NSUI के पदाधिकारी शामिल थे। ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित, भोपाल से हेमेंद्र शर्मा और रविश पाल सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। सिंधिया परिवार के लिए बीजेपी का ठिकाना नया नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी विजयराजे सिंधिया 1967 में कांग्रेस से बीजेपी में आई थी। उनकी दो बुआ भी बीजेपी में बड़े ओहदों पर रही और बारी सिंधिया महाराज की है। आज ज्योतिरादित्य के कमल का दामन थामते ही सिंधिया परिवार पूरी तरह से बीजेपी परिवार हो जाएगा। अब तक सिंधिया परिवार बीजेपी और कांग्रेस की तरह ही दो खेमों में बंटा था। ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी का सपना था कि पूरा परिवार बीजेपी के साथ रहे, लेकिन उनके जीते जी ये हो नहीं पाया। जीवाजी राव सिंधिया और विजया राजे सिंधिया की 5 संतानों में माधव राव और उनके पुत्र ज्योतिरादित्य ही कांग्रेस में रहे। अब ज्योतिरादित्य ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। वसुंधरा यशोधरा पहले ही बीजेपी के साथ हैं। यहां तक कि वसुंधरा के बेटे दुष्यंत भी बीजेपी सांसद हैं। ग्वालियर के सिंधिया राज घराने में 1 जनवरी 1971 को पैदा हुए ज्योतिरादित्य कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में रहे। वो कांग्रेस के पूर्व मंत्री स्वर्गीय माधव राव सिंधिया के पुत्र हैं। ग्वालियर राज घराने ने सियासी एंट्री कांग्रेस से ही मारी। राजमाता विजय राजे सिंधिया ने 1957 में कांग्रेस से अपनी राजनीति की शुरुआत की। वो गुना लोकसभा सीट से सांसद चुनी गईं, लेकिन 10 साल में ही उनका कांग्रेस से मोह भंग हो गया और 1967 में वो जनसंघ में चली गईं। विजय राजे सिंधिया के दम से ग्वालियर इलाके में जनसंघ मजबूत हुआ। 1971 में इंदिरा गांधी की लहर के बावजूद जनसंघ यहां की 3 सीटें जीतने में कामयाब रहा। खुद विजय राजे सिंधिया और उनके बेटे माधव राव सिंधिया सांसद बने। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधव राजे सिंधिया 26 साल की उम्र में सांसद चुने गए थे, लेकिन वो बहुत दिन तक जनसंघ में नहीं रुके। 1977 में आपातकाल के बाद उनके रास्ते जनसंघ और अपनी मां विजय राजे सिंधिया से अलग हो गए। 1980 में माधव राव सिंधिया ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीतकर केंद्रीय मंत्री भी बने। 2001 में विमान हादसे में उनका निधन हो गया। विजय राजे सिंधिया की बेटियों वसुंधरा राजे सिंधिया और यशोधरा राजे सिंधिया ने भी राजनीति में एंट्री की। 1984 में वसुंधरा राजे बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल हुई। वो कई बार राजस्थान की CM भी बन चुकी हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया की बहन यशोधरा 1977 में अमेरिका चली गईं। उनके 3 बच्चे हैं, लेकिन राजनीति में किसी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। 1994 में जब यशोधरा भारत लौटी तो उन्होंने मां की इच्छा के मुताबिक बीजेपी ज्वाइन की और 1998 में बीजेपी के ही टिकट पर चुनाव लड़ा। 5 बार विधायक रह चुकी यशोधरा राजे सिंधिया शिवराज सिंह चौहान की सरकार में मंत्री भी रही हैं। अम्मा और दादा एक ही सिक्के के दो पहलू थे, और जब दादा ऑक्सफोर्ड से आए वापस तो जनसंघ ही उनने ज्वाइन किया, तो वो भी उनकी राजनीतिक कड़ियां और सीढ़ियां चढ़ने की बात जब हम कहते हैं तो अम्मा के हाथों से ही हुई और जनसंघ के हाथों से हुई। तो वो जो नींव पहली डाली गई थी, मुझे लगता है कि राजमाता साहब उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि महाराज भी आ जाएं वापस। आज इस होली के दिन और होली के त्योहार पे मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, खुशी भी लगती है कि वो घर वापसी उनने नहीं की पर उनके बेटे से हो रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने पिता की विरासत संभालते संभालते कांग्रेस के कद्दावर नेता बन गए। 2002 में पहली जीत के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया कभी चुनाव नहीं हारे थे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में
उन्हें करारा झटका लगा। आज तक ब्यूरो। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट के 6 मंत्रियों समेत 20 से ज्यादा विधायकों ने कमलनाथ की कांग्रेस सरकार को हिलाकर रख दिया। इन्हीं विधायकों के दम पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। इनके ही दम पर वो बीजेपी के लिए किंग मेकर बन गए। ये वो विधायक हैं जिन्होंने चुनाव हारने के बाद फकीर बन चुके सिंधिया को फिर से महाराज बना दिया। इनके इस्तीफे से एक तरफ मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार हिल गई तो दूसरी तरफ बीजेपी में एक बार फिर सरकार बनाने की उम्मीद जगी। आइए आपको सिंधिया के उन सिपाहियों से मिलवाते हैं जिनके दम पर सिंधिया ने अपनी ही सरकार की नींव हिला दी। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर से विधायक है। खुद नाली में घुसकर सफाई करने को लेकर वो काफी चर्चा बटोर चुके हैं। प्रभुराम चौधरी स्कूल शिक्षा के मंत्री थे, पेशे से डॉक्टर, 1985 में पहली बार विधायक बने थे। सांची विधानसभा सीट से प्रभुराम चौधरी 3 बार विधायक बन चुके हैं। महेंद्र सिंह सिसोदिया कमलनाथ सरकार में श्रम मंत्री थे, वो बामरी विधानसभा सीट से 2013 और 2018 में विधायक चुने जा चुके हैं। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट 4थी बार विधानसभा चुनाव जीते हैं। कमलनाथ सरकार में राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी सिंधिया खेमे के हैं। इमरती देवी कमलनाथ सरकार में महिला और बाल विकास मंत्री थी। ब्रजेंद्र सिंह यादव अशोकनगर जिले की मंगावली विधानसभा सीट से विधायक हैं। मध्य प्रदेश की दीमानी विधानसभा सीट से विधायक गिरिराज डंडोतिया ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थकों में से एक है। मंदसौर की सुवासरा सीट से कांग्रेस के विधायक हरदीप सिंह डंग ने सबसे पहले इस्तीफा दिया था। अशोकनगर सीट से विधायक हैं जजपाल सिंह जज्जी। मुरैना जिले की अंबा सीट से विधायक कमलेश जाटव ने ट्रांसजेंडर उम्मीदवार कमलेश को नजदीकी मुकाबले में हरा दिया था। ग्वालियर पूर्वी सीट से विधायक मुन्ना लाल गोयल भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं। पिछले महीने ही वो अपनी मांग को लेकर कमलनाथ सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए थे। ओपी सिंह भदौरिया भिंड जिले की मेहगांव विधानसभा सीट से विधायक है। मुरैना विधानसभा सीट से विधायक रघुराज सिंह कसाना ज्योतिरादित्य सिंधिया के विश्वास पात्रों में गिने जाते हैं। दत्तीगांव विधानसभा से विधायक और राजघराने से ताल्लुक रखने वाले राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव ने 2018 में कमलनाथ सरकार के खिलाफ विरोध जताते हुए इस्तीफा भेजा था। शिवपुरी जिले की पोहारी विधानसभा सीट से विधायक हैं सुरेश धाकड़। भांदेर विधानसभा सीट से विधायक रक्षा संतराम सरोनिया भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं। ज्योतिरादित्य ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर जैसे अपनी दादी की मुराद पूरी कर दी, क्योंकि विजयराजे सिंधिया चाहती थी कि उनका पूरा खानदान बीजेपी में रहे। माधवराव सिंधिया और उनके बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया ही कांग्रेस में गए, लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बगावती तेवर ने उनकी दादी की याद दिला दी, जो चाहती थी कि पूरा परिवार बीजेपी में रहे। जिवाजीराव सिंधिया और विजयाराजे सिंधिया की 5 संतानों में माधवराव और उनके पुत्र ज्योतिरादित्य ही कांग्रेस में रहे। अब ज्योतिरादित्य ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है और आज 18 साल तक कांग्रेस के साथ सियासत करने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया। ग्वालियर के सिंधिया राजघराने में 1 जनवरी 1971 को पैदा हुए ज्योतिरादित्य कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में रहे। वो कांग्रेस के पूर्व मंत्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के पुत्र हैं। ग्वालियर पर राज करने वाली राजमाता विजयराजे सिंधिया ने 1957 में कांग्रेस से अपनी राजनीति की शुरुआत की। वो गुना लोकसभा सीट से सांसद चुनी गयी। सिर्फ 10 साल में ही उनका मोह भंग हो गया और 1967 में वो जनसंघ में चली गयी। विजयराजे सिंधिया की बदौलत ग्वालियर क्षेत्र में जनसंघ मजबूत हुआ और 1971 में इंदिरा गांधी की लहर के बावजूद जनसंघ यहां की 3 सीटें जीतने में कामयाब रहा। खुद विजयराजे सिंधिया भिंड से, अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर से और विजयराजे सिंधिया के बेटे और ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया गुना से सांसद बने। माधवराव सिंधिया अपनी माँ पिता के इकलौते बेटे थे। वो 4 बहनों के बीच अपने माता पिता की 3री संतान थे। माधवराव सिंधिया सिर्फ 26 साल की उम्र में सांसद चुने गए थे,
लेकिन वो बहुत दिन जनसंघ में रुके नहीं। 1977 में आपातकाल के बाद उनके रास्ते जनसंघ और अपनी माँ विजय राजे सिंधिया से अलग हो गए और 1980 में माधवराव सिंधिया ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत कर केंद्रीय मंत्री भी बने। उनका विमान हादसे में 2001 में निधन हो गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया इनके पुत्र हैं। विजय राजे सिंधिया की बेटियों वसुंधरा राजे सिंधिया और यशोधरा राजे सिंधिया ने भी राजनीति में एंट्री की। 1984 में वसुंधरा राजे बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल हुई। वो कई बार राजस्थान की सीएम भी बन चुकी है। वसुंधरा राजे सिंधिया की बहन यशोधरा 1977 में अमेरिका चली गयी। उनके 3 बच्चे हैं, लेकिन राजनीति में किसी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। 1994 में जब यशोधरा भारत लौटी तो उन्होंने मां की इच्छा के मुताबिक बीजेपी ज्वाइन की और 1998 में बीजेपी के ही टिकट पर चुनाव लड़ा। 5 बार विधायक रह चुकी यशोधरा राजे सिंधिया शिवराज सिंह चौहान की सरकार में मंत्री भी रही। अम्मा और दादा एक ही सिक्के के दो पहलू थे और जब दादा ऑक्सफोर्ड से आए वापस तो जनसंघ ही उनने ज्वाइन किया, तो वो भी उनकी राजनीतिक कड़ियां और सीढ़ियां चढ़ने की बात जब हम कहते हैं तो अम्मा के हाथों से ही हुई और जनसंघ के हाथों से हुई। तो वो जो नींव पहली डाली गई थी, मुझे लगता है कि राजमाता साहब उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि महाराज भी आ जाएं वापस। आज इस होली के दिन और होली के त्योहार पे मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, खुशी भी लगती है कि वो घर वापसी उनने नहीं की पर उनके बेटे से हो रही है। 2001 में एक हादसे में माधवराव सिंधिया की मौत हो गई तो ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने पिता की विरासत संभालते रहे और कांग्रेस के मजबूत नेता बने रहे। गुना सीट पर उपचुनाव हुए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया सांसद चुने गए। 2002 में पहली जीत के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया कभी चुनाव नहीं हारे थे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें करारा झटका लगा। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के बेटे दुष्यंत भी बीजेपी में ही है। वो अभी राजस्थान के झालावाड़ सीट से सांसद हैं। पद्मा राजे सिंधिया जीवाजी राव और विजया राजे सिंधिया की पहली संतान थी। पद्मा का निधन पिता जीवाजी राव के निधन के 3 साल बाद ही हो गया। जीवाजी राव ने 1961 में जबकि पद्मा ने 1964 में अंतिम सांस ली। जीवाजी राव और विजया राजे की दूसरी पुत्री उषा राजे सिंधिया राजनीति से दूर रही। आज तक ब्यूरो।